तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टिक जाधव पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ना कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से हम कैसे बात करते हैं, क्या तरीका होता है फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करने का, हम इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू और समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करने के लिए आपको मैं कई तरीका बताऊंगा, दो तरीका बताऊंगा। सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के थ्रू ही बताने वाला हूं। तो फ्लिपकार्ट ऐप को हमने ओपन कर दिया, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ना कस्टमर केयर से बात करने के लिए क्या करेंगे आइए बताते हैं। यहाँ पर हमें चलना है ना, यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ अकाउंट वाले सेक्शन पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम अकाउंट वाले सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर नया पेज आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। यदि हम नीचे की तरफ स्लाइड करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है हेल्प सेंटर का, हमें हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। देखिए मैंने हेल्प सेंटर पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर पूछेगा 24/7 सपोर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से आपके बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। जिस ऑर्डर से रिलेटेड आपको क्वेरीज है उस ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नीचे नीड हेल्प का ऑप्शन आएगा, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। नीड हेल्प पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नीड हेल्प पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट चालू हो गया है, देख सकते हैं। इसे चैटिंग पहले आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी कॉलिंग का भी तरीका बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं आई वॉन्ट टू कॉल कस्टमर केयर, ठीक है। मैंने लिख के सेंड कर दिया। जिसे सेंड करेंगे अभी देखिए वहाँ से ऑप्शन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। कस्टमर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मतलब डायरेक्ट वहाँ से चैटिंग भी करते हैं, यहाँ से सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जब तक ये प्रक्रिया हो रही है तब तक आई हम यहाँ पे एक नंबर भी निकाल के आपको दिखा देते हैं कॉल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्टली सर्च कर लेंगे फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर, आ गया फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर का नंबर, यही है। मैं डायल करता हूँ, नंबर है यहाँ पे 44/91 लगा लीजिएगा, प्लस 91 के बाद 44/45/61/47/00। इस नंबर पे आपको कॉल कर देना है, ठीक है। देखिए मैंने कर दिया, देख सकते हैं कॉल जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक एग्जीक्यूटिव आपको कॉल बैक करें तो एक दबाएं, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए दो, एक दबाना एक। दोबारा हमारे एक एग्जीक्यूटिव आपको 1 मिनट में कॉल करेंगे। अभी उधर से कॉल आ जाएगी, ठीक है, और कॉल उधर से आ जाएगी, हम आसानी से बात कर लेंगे। देखिए कॉल ये वाली कट जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका बहुत बढ़िया है, कॉल 100% आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों मेरी कॉल आ चुकी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको रिसीव करते हैं। नमस्कार, जी मैम रुपेश बात कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। जी जी मैम, मैम जैसे हम एक जानकारी लेना चाह रहे थे कि मैम मोबाइल केवल रिप्लेसमेंट होता है, रिटर्न नहीं जाता है क्या? तो दोस्तों आप देख पाए मैंने यहाँ पे कुछ बातें किया, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।